ओम नमः शिवाय, शिव रक्षा स्तोत्र विनियोग। इस शिव रक्षा स्तोत्र मंत्र के याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। श्री सदाशिव देवता है, अनुष्टुप छंद है। श्री सदाशिव की प्रसन्नता के लिए शिव रक्षा स्तोत्र के जप में इसका विनियोग किया जाता है। स्तोत्र। देवादिदेव भगवान शंकर का यह चरित्र परम पवित्र, अपार, अत्यंत उदार एवं चतुवर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। पांच मुख वाले, तीन नेत्र वाले, 10 भुजाओं वाले शिव का गौरी और विनायक यानी गणेश जी सहित ध्यान करके साधक पुरुष को शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गंगाधर शिव मेरे सिर की, अर्धचंद्रधारी मेरे कपाल की, कामदेव को भस्म करने वाले मेरे दोनों नेत्रों की, तथा सांपों को आभूषण के रूप में धारण करने वाले मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले यानी पुराराति मेरी नाक की, जगतपति मेरे मुख की, वागीश्वर मेरी जिह्वा की, सितिकंदर मेरी ग्रीवा की रक्षा करें। मेरे कंठ की श्रीकंठ, मेरे दोनों कंधों की विश्व धुरंधर, भूभार संहर्ता मेरी दोनों भुजाओं की, तथा पिनाकृत मेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। शंकर मेरे हृदय की, गिरिजापति पेट की, मृत्युंजय नाभि की, तथा व्याघ्र जिनाम्बर मेरी कटी की रक्षा करें। दीनार्थ शरणागत वत्सल मेरी समस्त हड्डियों की, महेश्वर मेरे उरु की, तथा जगदीश्वर मेरे जानों की रक्षा करें। मेरी दोनों जांघों की जगतकर्ता, दोनों घुटनों की गणाधिप, मेरे दोनों पैरों की करुणा सिंधु, तथा मेरे सारे अंगों की सदाशिव रक्षा करें। फलश्रुति। जो साधक शिव बल से युक्त होकर इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे अंत में शिव सायुज्य यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस त्रैलोक्य में जितने भी ग्रह, भूत, पिशाच आदि विचरण करते हैं, वे मात्र इस शिव रक्षा स्तोत्र के पाठ से तत्काल दूर भाग जाते हैं। जो साधक भक्ति पूर्वक पार्वतीपति शंकर के अभयंकर नामक कवच को अपने कंठ में धारण करते हैं, तीनों लोक उनके वशीभूत हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण ने स्वप्न में याज्ञवल्क्य ऋषि को इस कवच का उपदेश दिया था, उसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ ने उसे प्रातःकाल उठकर लिख दिया था। याज्ञवल्क्य द्वारा रचित शिव रक्षा स्तोत्र संपूर्ण।